हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम घर से निकल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों का बहुत सारा प्रेम प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूँ मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ आज। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी इधर हमारी गाय चल रही है पीछे, और ये मक्का ही है, मक्का। तो गाय यहाँ इधर अंदर ना आ जाए, इसके लिए हम यहाँ से खड़े। और यहाँ बाजू में सुरेश फूल है, चलो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सुरेश फूल है। तो इससे पूरा भरने में 1 महीना लगेगा। तो ये पूरा 5 एकड़ में लगाया हुआ है सुरेश फूल। क्या जाता ले? हाँ, का गैस नो सुलो ना थी? ना हमारा लावानो, हमारे लावानो। चारा लावाना? हमारा तो और आई जो है, अच्छा, हंडी में नहीं? तो अभी हम आगे जा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल तो हम पहले एक बार हमारे कुंडे पे पानी पिलाएंगे, तो उसके बाद दोपहर में पिलाएंगे, और एक बार शाम को 3 बार पानी पिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं गाय आगे गए और ये भैंसे पीछे रह जाए ले, तो उनको लेने आया। तो ये वाली भैंस ने कल बच्चा दिया, तो वापस भग के जा रही थी घर पे, तो मैं उसको वापस लेने गया था। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि तुम्हारा जो पाड़ा है बुल, तो उसको दिखाना। तो मैं आपको दिखा, तो ये हमारा भैंसा है। तो अभी वो फिलहाल तो ये पड़िया के पीछे है वो, और एक दूसरा हमने जो रखा हुआ है ये। तो अभी इसको रखा हुआ है, और ये एक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी नए सब्सक्राइबर, जो भी नए हमारे जो भी दोस्त जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक भी दबा दीजिएगा। हाँ, तो हमारा पांडेरिया बहुत नटखट हो चुका है। अभी सभी भैंसा के साथ में दिन भर झगड़ा करते रहता है। तो पानी के लिए गाया भाग के जाते हुए, क्योंकि
कि सुबह हमने पानी नहीं पिलाया था उन्हें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी देख सकते हैं गाया यहाँ बेर खाने के लिए भाग के आई। तो यहाँ नीचे बहुत बेर पड़े हुए हैं, ये बेर का कोई वारिस नहीं, कोई लेने नहीं आता। तो आप देख सकते हैं कितने बेर हैं। तो यहाँ बेर खाने के लिए बंदर भी आए हुए हैं। तो अभी हम गाय चराते चराते आगे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं तो अभी जो हमारे गाय चर रहे, ये प्याज का खेत है, कांदे का, जिसे हमारे गुजराती में डुंगले बोलते हैं। तो खाली हो गया था तो हमने किसान भाई को पूछा, तो किसान भाई ने कहा कि गाय चरा दीजिए। तो सिर्फ ये 3.5 साल की बछड़ी है जो कि अभी जन रही है। 2.5 साल में ही वो फल गई थी। तो एक जन से अभी खींचे नहीं जा रही, तो बड़े भैया को बुलाना पड़ेगा। आ रहे हैं। लकड़ा रखे रहे ना।
काढ़ी मोड़ में वाला बछड़ा दिया हुआ है तो जो भी नए दोस्त जो हमारे जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।